हरे कृष्ण अंधरा श्री कृष्ण भावना भावित संग इस कौन मेरा रोग क्या से प्रस्तापित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में सेक्टर सुर कथा सप्ताह के ये पांचवें दिन के कथा में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं को भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली है, श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यह जो भागवत विधि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी लिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी सुदर्शन जी श्री श्री गोविंदाय उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी जिनके आयतु की कृपा से यह लाभ हमें प्राप्त हो रहा है उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम हमारे गुरुदेव जो कि करुणामय हैं, कृपामय हैं, दयामय हैं, नित्य स्मरणीय, नित्य पूजनीय, नित्य वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, पात वंदनीय और प्रातः पूजनीय ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब से हम करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है, श्रीमद् भागवतम ये अमर पुराण है, श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है, श्रीमद् भागवतम या साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवतम यह परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सकटासुर का उद्धार हुआ। हमने कल के प्रसंग में सुना कि ये सकटासुर जो था पिछले जीवन में हिरण्यकशिपु का पुत्र था, इनका नाम था उत्कचा। उत्कचा जो है इतना उत्पत मचाया कि एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम में गया और हम सब ने सुना किस प्रकार से लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को तहस नहस किया, लोमस ऋषि ने उनको जो है श्राप दिया कि आपका इतना मोटा ताजा तगड़ा शरीर है इसलिए आप इतना उत्पात मचा रहे हो,
इसीलिए आप शरीर से विहीन हो जाए, तो वो भूत बन जाता, ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त किया, तो वो रोने लगा, धोने लगा, तो साधु वैष्णव का हृदय जो है बहुत 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 कोमल होता है, तो एकदम मक्खन से भी कोमल, इसलिए नवनीत शाम बहुत बहुत कोमल होता है। तो तुरंत कहा कि ठीक है, इन शब्दों को तो हम ले नहीं सकते हैं, पर जरूर अगले मन्वंतर में आपका जो है जरूर भगवान स्वयं आके उद्धार करेंगे। कहते हैं कि साधु का गाली घी का नाली, जितने पियोगे होगे बल शाली। प्रभुपाद जी जिन भक्तों को डांटे फटकारे, तमाम कृष्ण महाराज, ऋषिकेश स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण जोशी महाराज, इन सब भक्तों को बहुत डांटते थे, और यही भक्त आगे चलकर जो है अब बड़े बड़े संत महात्मा वैष्णव आचार्य बनकर पूरे विश्व में जो है भगवत भक्ति का डंका फैला रहे हैं। तो साधु का गाली घी का नाली, जितने पियो हो गए भल शाली, तो इतना जो है। पर ये जो असुर हैं वृंदावन में आते हैं, तो वो भगवान के भक्तों के कृपा से ही आ सकते हैं, नहीं तो वृंदावन में संतों के आज्ञा या कृपा के बगैर कोई नहीं आ सकता है। वृंदावन में हम टिकट लेकर नहीं आ सकते हैं, जब तक वैष्णव का कृपा नहीं हो हम पहुंच नहीं सकते। तो ये सत्तासुर जो है पिछले जीवन में असुर था और इस जीवन में उसका उद्धार होगा एक संत के कृपा से, नहीं तो कितने 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 जन्म जो है वो कीड़े बनकर मकोड़े बनकर और अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पता नहीं कब उनका उद्धार होगा। पर संत की कृपा से अगले जन्म में, वो भी श्री कृष्ण स्वयं जब लीला कर रहे तब, अपना सुंदर बाल लीला कर रहे तब, केवल 80 दिन के थे तब, छोटे से कृष्ण करवट क्या बदल दिया, करवट बदलने एक उत्सव होता है। यह है हमारा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति ये शिक्षा देता है कि जब बच्चा 7 महीने का माँ के गर्भ में हो जाता है तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि वो जब 7 महीने का होता है तब वो भगवान को याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, आप कृपा करके मुझे माँ के गर्भ से निकालो, आप मुझे ऐसा जीवन दो, उल्टा लटकते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं मुझे इस जो है विपरीत विषम भयंकर परिस्थिति से उद्धार करो, मैं आपका भजन करूंगा 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 करूंगा। और उस वक्त जो है उनके भजन को और प्रेरणा देने के लिए और बल देने के लिए, उनकी इच्छाओं को और तीव्र करने के लिए एक उत्सव मनाया जाता है 7वें महीने पे, और जब जन्म लेता है तब भी उत्सव होता है, यानी कि उनको बार बार ये दिलाया जाता है कि ये जन्म मिला है भगवान का भजन करने के लिए, ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान का सेवा करने के लिए, ये जन्म मिला है भगवान का भक्ति करने के लिए, और इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर भक्तों के संग में संकीर्तन करके अपने जीवन को धन्य करने के लिए ये जीवन मिला है। ये याद दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है, ये मनुष्य जीवन खास करके कहते हैं कि बड़ा भाग मनुष्य तनु पावा, बड़ा भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ संत मुनि गावा। ऐसा कहते हैं कि बड़ भाग्य से मनुष्य तनु पावा, बड़ भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ संत मुनि राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये सुर यानी कि देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर जब मिलता है तो
पृथ्वी में मिलता है और पृथ्वी में भारत में जैसे स्थान में मिलता है, तो स्वयं भगवान कहते हैं भारत भूमि मनुष्य जन्म यार जन्म सात करे परोपकार। भारत भूमि जो इतना पावन इतना पवित्र है कि कहते हैं कि भारत भूमि में 600 करोड़ तीर्थ है और ये भारत भूमि में भगवान जहाँ कहाँ भी जितने भी भगवान के अवतार है वो भारत में हुए हैं और जितने भी आचार्य वो भी भारत में हुए, जितने भी संत महात्मा ये भारत भूमि संतों का भूमि है, ये भारत भूमि तपो भूमि है, ये भारत भूमि जो है ये जो है ज्ञान भक्ति का भूमि है। इसलिए ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर कोई थोड़ा भजन करने के लिए के लिए इच्छा करता है तो नहीं या तो संत महात्मा मिल जाता है, भक्त मिल जाता है। तो भारत भूमि में ऐसे महान संत आए जो जो है समंदर को लांघ करके विदेश गए। दो महान संत जो है समंदर को लांघ करके गए। त्रेतायुग में हनुमान जी जो है वो ये जो है रामेश्वरम से छलांग लगाए श्रीलंका तक, और दूसरा कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी जो कि कलकत्ता से निकले तो निकले सीधा बॉस्टन पहुंच गए। ये दोनों संत जो है इतिहास में जो है जहाज से या समुद्र को लांग मारे और बहुत ही उन्नत कार्य अपने अपने इष्ट भगवान के लिए किए, एक राम के लिए तो एक श्याम के लिए कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी जो है भारत भूमि मनुष्य जन्म हो लो जाए, भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनका सबसे पहला काम है भजन करो भजन करो भजन करो। और ये भजन कहाँ से मिलेगा? भजन जो है सत्संग करो, हम अपने बुद्धि को विवेक करो और ये सत्संग विवेक जो है के भगवान के कृपा से होता है, हम भारत भूमि सुलभ से प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह जीवन मिला है सत्संग करने के लिए, यह जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, यह जीवन मिला है अपने जीव चेतना को उन्नत करने के लिए, वो सत्संग से होगा। असत्संग से सही क्या है गलत क्या है पता लग गया कि हम कौन है भगवान कौन है, पावन करने वाला वो भगवान कौन है हमें पता लगेगा, वही राम वही कृष्ण हमारा जीवन को पावन करेगा, तब पता लगता है कि मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भव मंगल हारी, मंगल भव मंगल हारी, द्रव शुद्ध अशरत अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से हमें पता लगता है वही भगवान हमारा जो है
हमारा मंगल कर सकता है, शुभ कर सकता है, हमारा हित कर सकता है। ऐसे भगवान का संग सत्संग से ही होता है, और ऐसे सत्संग में हमें भगवान से कि जो भव्यता जो है, भगवत्ता जो है पता लगता है, वो कितना हमें पावन कर सकते हैं, हाँ हमें दुख से काट सकते हैं, ये पता लग सकता है। और ऐसे भगवान का नाम लेने के लिए ही इन सत्संग से माध्यम से प्रेरित किया जाता है, जो कि गीता भागवत अन्य सारे ग्रंथों का सार है। और बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरी पार। कलयुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उतरी पार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो कलयुग में ये हरि नाम को लेके प्रभुपाद जी गए अमेरिका, भारत में भी किए प्रचार, पर भारतवासी सोचे कि जब तक हम नकल नहीं करेंगे पाश्चात्य देश का, तब तक लोगों को नहीं लगेगा कि हमारे पास है अकल। तो वो नकल करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो भगवान प्रभुपाद जी सोचे कि अमेरिका को ही हम बदल देते हैं, उनको ही जो है धोती कुर्ता पहनाता, उनके पैंट शर्ट उतार कर उनको जो है धोती कुर्ता साड़ी पहना दिया और उनको नचाया। उन्होंने ये नाम से, भगवान के नाम से जो है उनको हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, हाँ ऋषि रूसियों को ऋषि बना दिया, चीनियों को मुनि बना दिया, जापानीसों को जापाने लगा दिया, और दुखियों को सुखी बना दिया, और इस प्रकार से भगवान का नाम का महिमा पूरे जगत में फैला दिया। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी हरि नाम में इतना जो है विश्वास करते थे। एक बार 1944 में जब भारत के ऊपर जापान जो है बमबारी कर रहा था कलकत्ता के ऊपर, खास करके क्योंकि उन दिनों पे कलकत्ता का जो था भारत जो था क्या अंग्रेजों के अधीन था, और ब्रिटिश लोग कलकत्ता में जो है बहुत बड़ा उनका जो था ऑफिस वगैरह वर्क करता था, है ना, आए थे छोटे व्यापारी जैसे, पूरे भी भारत को अपने बस में कर लिया था, लगभग 130 साल तक अपने बस में रखा था। तो जापान बोला कि यहीं पे अटैक करेंगे, कलकत्ता में अटैक करेंगे, कलकत्ता में अटैक करेंगे तो क्या होगा। पर तब जितने भी कलकत्ता वासी थे बंगाल के, हाँ वो सब जो है अपने अपने हाँ पोटली वगैरह उठाकर कलकत्ता छोड़ के जाते, मायापुर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई भक्त था, तो वो मायापुर चला, प्रभुपाद जी से आप भी चले, तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैंने हमें तो आप यहाँ क्या यहाँ बैठ के करोगे, बोला मैं यहाँ बैठ के हरिनाम करूँगा। मानो या ना मानो प्रभुपाद जी अकेले अकेले मृदंग लिए, और उनके घर पे उनका सेवक था जो पोछा झाड़ू लगाता था, वो गए और मृदंग करता लेके वो कलकत्ता के सड़कों में कीर्तन कर रहे थे, और उनको देखकर जो है उनके अड़ोस पड़ोस के लोग जो है वो भी कीर्तन करने लगे, और सड़कों में कीर्तन लगभग रोज दिन के 3 घंटे करते थे, 4 घंटे करते थे सुबह शाम, और कहते हैं कि कलकत्ता के ऊपर एक बॉम्ब नहीं फूटा या बरसा। तो ये कैसे हुआ, भगवान का नाम जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है ये सब अनर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है सत्संग का हरि नाम का लाभ संतों के माध्यम से मिलता है।
तो यहाँ पर हम सुनते आ रहे हैं कि यह जो सकटासुर है जो है वो संतों की कृपा से वृंदावन पहुँचा। तो प्रभुपाद जी जैसे संत महात्माओं की कृपा से ये हिप्पी लोग भक्त बने और वृंदावन इत्यादि है, नहीं तो वृंदावन कभी नहीं आता। आगरा तक आएंगे, ताजमहल देखेंगे और चले जाएंगे कुतुब मीनार को देख कर, पर वो वृंदावन आए, राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन का परिक्रमा की। तो सट्टासुर का उद्धार हुआ। सट्टासुर उन असुरों में से एक है जिनका जिनको 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 कंस ने नहीं भेजा था, मामा कंस का खिलौना नहीं था, ये आ गया था अपने आप से, आ गया था लोमस ऋषि के आशीर्वाद से आया था, उनकी कृपा से आया था और मारा गया था। और जब वो मारा गया उनका कृतार्थ हुआ, वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उनका उद्धार हो गया। पर पूरा संकट जब गिर गया था, छोटा बच्चा जिंदा था, तो ये नंद महाराज यशोदा मैया डर गई, बेटी को क्या हो गया, बेटी को क्या हो गया, बेटी को क्या हो गया। तो बेटी के हित के लिए उनके 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 जो है उनके शुभ मंगल के लिए ब्राह्मणों को बुलाए। ये सट्टासुर जो है एक अनर्थ को दर्शाता है। भक्तिवेदन ठाकुर अपने जो है चैतन्य शिक्षा अमृत में लिखते हैं कि ये ऐसा असुर है जो कि सकट का होता है बहुत बड़ा जो सकट यानी कि गाड़ी, बैलगाड़ी का गाड़ी, और जिसमें सामान रखा जाता है पुराना कभी नहीं। तो ये सट्टासुर जो है वो साधक भक्तों में जो अनर्थ है, पुराने आदत, हर बात पे चिल्लाना, हर बात लोगों में दोष देखना, या नए आदतें, हाँ पुराने गंदे आदत या नए गंदे आदत जो हमारे चित्त में बैठा हुआ रहता है और हमें अच्छे भक्त बनने से रोक रहा है, वो अनर्थ जो है सट्टासुर दर्शाता है। लेथार्जी, लेथार्जी का अर्थ है ठीक है आराम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भजन में आलस, भोजन में चतुर, ऐसा ठीक है खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे तो होगा देखा जाएगा। ये जो है सट्टासुर का जो है सट्टासुर का अनर्थ दिखाता है। ये वैनिटी, वैनिटी का होता है घमंड में कितना सुंदर विमान में ये घमंड। तो ये घमंड या लेथार्जी ये जो है इनके अंदर पाया जाता है, सट्टासुर साधकों में पाया जाता है जो उन्हें भक्ति में अग्रसर होने से, वो तीव्र भक्ति करने से, वो जीवन में जो फोकस जो है केंद्र दृढ़ होने के लिए वो कर नहीं पाते, जिसके लिए सट्टासुर नाम का जो असुर जो है पुराने गंदे आदत, नए गंदे आदत, आलस और जो है घमंड इसको दर्शाता है। पर सट्टासुर का कथा उद्धार जब सुनते हैं तो ये आलस बुरे आदत के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनते 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 हम आदतों को दूर कर सकते हैं। कथा सुनने का भी लाभ होता है, मनोरंजन भी हो जाता है, मनोमंजन भी हो जाता है। तो ये सट्टासुर का जब वध हुआ, छोटा सा कृष्ण और इतने सारे मटके फूटे हुए हैं, और ये सकट जो है तीतर बितर हो गया, नंद महाराज भयभीत हो गए और छोटा सा बालक को उठाया। ब्राह्मण वहीं पे थे तो मथुरा का ब्राह्मण से कहा फिर से एक यज्ञ करो, फिर से एक पूजा करो, फिर से जो है स्तुति करो इस बच्चे के मंगल के लिए, इस बच्चे के हित के लिए, इस बच्चे के रक्षा के लिए। और ये कैसे ब्राह्मण थे मथुरा के, चतुर्वेदी ब्राह्मण, चोबे, अगर उनको चोबे बोलेंगे तो बोलेंगे अभे, हाँ चोबे तो बोलेंगे चुम्बे, अगर बोले चतुर्वेदी जी तो बोलेंगे चतुर्पति जी। ये जो है बहुत पवित्र ब्राह्मण माने जाते थे और उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि ये असुया अंतर दंबे विषा
हिंसा मान विवर्जिता नातेषां सत्यशलीलां अशिशो विप्लः कृतः। ये ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हैं कि ये असूया है। सूया का तो होता है जलन, भला उसका कमीज मेरी कमीज से सफेद कहते हैं, उनके घर में हमारे घर से बड़ा, टीवी कैसे, गाड़ी कैसे। दूसरों के अंदर उत्कर्ष को देख के हमारे हृदय में नकारात्मक भावना जो होता है जलन, उसको कहते हैं असूया। ब्राह्मणों को भगवान का भजन के कृपा से उनके चेतना उन्नत होता है कि भगवान ने हमें जैसा रखा है अच्छा रखा है। सीताराम 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 कहिए विधि राखे राम कहिए। जैसे भगवान ने रखा अमीर तो अमीर, गरीब तो गरीब, बड़ा खुश रहता है। और कोई आगे गया तो भी हरे कृष्णा, कोई पीछे गया तो थोड़ा दुख दर्शाता है, कोई आगे गया तो सुखी हो जाता है, चलो भाई भगवान का कृपा हो गया, कोई पीछे जा रहे तो थोड़ा दुखी हो जाता है, उनको मदद करता है। अनिर्त वो हमेशा सत्य बोलता रहता है, झूठ से वो दूर रहता है। पर आजकल जो है झूठ जो है एक आवश्यकता बढ़ गई है। कहते हैं कि अगर बच्चा झूठ बोलता है तो पाप माना जा रही, झूठ बोल दिया झूठ, पर जो बड़े झूठ बोलते हैं तो उसे दोष के रूप में देखा जाता है। लॉयर झूठ बोलना तो उसका पेशा है, और जो विवाहित व्यक्ति होता है उसके उसके लिए तो झूठ बोलना से ही वो बच सकता है, क्योंकि झूठ 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 से ही पूरा समाज। पर ब्राह्मण जो होते हैं अपनी झूठ से परे होता है। ये मैं विनोद देखू कह रहा था, है ना? तो कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके अंदर दम्भ यानी कि ये घमंड नहीं रहता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अच्छा जन्म नहीं, वो सरल होते हैं, ठीक है, भगवान की कृपा से जो है सो है, और खुश रहते हैं, और किसी प्रकार का उनके अंदर ये नहीं रहता है। ईर्ष्या का तो था कि ये मेरे साथ मेरे को गाली क्यों दिया, मुझे डांटा क्यों, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, भूलो, जो बुरा हुआ है उसे भूल जाते हैं और क्षमा कर जाते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलो और क्षमा करो। और हिंसा रहित होते हैं वो, ऐसा नहीं होते कि अगर किसी के पास उनसे ज़्यादा हो गया तो उसे ख़त्म करने के लिए, उसे नाश करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए कुछ षड्यंत्र रचते हैं, बस कुछ मान घमंड उनके अंदर नहीं रहते, अरे मैं इतना बड़ा, वो बोलते भगवान की कृपा से जो भी हूँ मैं हूँ। मान घमंड से हिंसा मान विवर्जित, इस प्रकार के जो अच्छे ब्राह्मण ना तेषाम सत्य सलीला नाम, वो इस प्रकार से सत्य के मूर्तिमान स्वरूप जो है, जो ब्राह्मणों का जो गुण होना चाहिए सत्य क्षमा दम, ये सब गुणों से युक्त ऐसे सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया, बच्चे के ऊपर कृपा करो, कृष्ण के ऊपर कृपा करो, ताकि ये कष्ट बार बार इस बच्चे पे ना आ जाए। ये वसुदेव जो है नंद महाराज जो है वो अपने वात्सल्य के द्वारा वो जान नहीं रहा था कि ये बच्चा भगवान स्वयं है, नारायण स्वयं है, पर ब्राह्मणों से कह रहे थे इनके आशीर्वाद को, तो ये ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे उनके लिए विशेष, ये दोबारा यज्ञ कर रहे थे, और इस यज्ञ का जब पूरा हो गया तो कहते इति बालक आदया सामार्ग यजुर उपाकृता जलेल पवित्र औषधि वीर अभिशिच्या द्विज उत्तमे। तो इस प्रकार से नंद महाराज अपने बच्चे को गोद में बिठाया था उस यज्ञ में, और उस यज्ञ इत्यादि चल रहा था, और
जो ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण होते हैं, इनके जो आशीर्वाद जो है, इनके जो शुभकामनाएं जो हैं, इनके जो आशीर्वचन जो है, कभी झूठा नहीं जाता है। नंद महाराज बहुत गंभीर थे, हाँ बार बार उनसे कह रहे थे, ऐसे ब्राह्मण जो कि सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद को अच्छी तरह से जानते हैं, और उनसे जो है आशीर्वाद लिए, और आशीर्वाद के बाद पढ़ते हैं, वाचित्वा स्वस्ति अयनम नंद गोप समाहिता हुत्वा अग्निम द्विजाति भिया प्रादानन महागुणान। बच्चे को अच्छी तरह से नहलाया गया था पवित्र औषधि के जल से, और ये द्विज जो है फिर से मंत्र का उच्चारण किए, स्वस्ति अयनम, स्वस्ति यानी कि इनका जो है अस्थि जो है उनके जो है मंगल हो शुभ हो, ऐसे प्रार्थना किए। और जितने भी गोप थे वो भी देख रहे थे, बोल रहे थे कि भगवान से प्रार्थना करो कि खूब 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 इनका जो है बच्चे का रक्षा करे। इस प्रकार से आशीर्वाद इत्यादि देने के बाद औषधि के द्वारा, तो कहते हैं कि उसमें पंचगव्य था, पंच शस्य था, पंच रत्न था। पंचगव्य आप लोग जब जानते हैं, गाय से निकला हुआ दूध से दही निकलता है, दही से जो है मक्खन घी निकलता है, गोमूत्र और गोबर से नहला गया था। फिर पंच शस्य का अर्थ होता है पांच प्रकार के जो है अच्छे पेड़, तो उसके अन्न से भी उनका ये किया गया था। और पंच रत्न तो कहते हैं कि रत्न मणि पांच प्रकार के रत्न से उनको ये पवित्र किया गया था। और पवित्र जल में नीम बेल आम अश्वत्था आमला की का पत्ता रखा गया था, उसका जल छिड़क रहे थे इस बच्चे के ऊपर। इस प्रकार से जो है ये सब होने के बाद सबसे मुख्य बात है कि आशीर्वाद सब लेने के बाद खूब दान दिया था, गाय तिल हाथी घोड़ा वस्त्र से, और उनको खूब अच्छा भोजन किया था। महागुणान, हाँ क्या जो है अन्नम महागुणान, उनको महाप्रसाद अच्छी तरह से खिलाया गया था। हाँ महाप्रसाद अच्छी तरह से, जब तक प्रसाद नहीं दिया जाता है कोई उत्सव पूरा नहीं होता है इसको हमने, इसलिए हर उत्सव के बाद हर फेस्टिवल के बाद महाप्रसाद तो जरूर होता है। चाहे संकीर्तन करके आओ महाप्रसाद, चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ महाप्रसाद, चाहे जो है जन्माष्टमी हो तो महाप्रसाद उपवास के बाद, हाँ रथ यात्रा हो तो प्रसाद से शुरू होता है, रास्ते में भी प्रसाद और अंत में भी प्रसाद। प्रसाद सर्व दुखानां, सारे दुख को दूर कर देता है प्रसाद, जो है भगवान का कृपा माना जाता है। चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो, भगवान को चार प्रकार के जो है भोग अर्पण किया जाता है। एक खाने वाला होता है ना, एक चबाने वाला होता है, चबाने वाला एक चबाने वाला, दूसरा चाटने वाला होता है, चाटने वाला चटनी, हाँ फिर चूसने वाला होता है, चूसने वाला आम चूसते हैं, फिर तीसरा पीने वाला, ये चार प्रकार का भोग ये सब खिलाया जाता है। फिर वही जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो इन मथुरा के ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर प्रसाद इत्यादि दिया गया था, और ये प्रसाद से मन शुद्ध हो जाता है। अब प्रसाद से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कमाल कर दिया था, इन हिप्पियों को गुलाब जामुन खिला 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 करके उनके केक मीट वीट से जो है उनका मन को दूर कर दिया। एक बार एक प्रोफेसर आया था, उसको रम पीने का बहुत आदत था, तो प्रभुपाद जी बोले रम मत पियो ना ये गुलाब जामुन को, तो गुलाब जामुन खाया सो स्वीट बोला, तो बोला मैं जरूर इसको मैं आज रात को रम के साथ में, बोला रम मत पियो आप और एक लो पर इधर खाओ, तो खाया इतना खाया, बोला मुझे और दो चाहिए, तो गया इतना उसको स्वाद अच्छा लगा कि
बोला कि आज तक ऐसा मिठाई हमने जीवन में नहीं खाया, क्योंकि पाश्चात्य देश में सूखा केक होता है, पर ये रसगुल्ला इतना कोमल था, मीठा था और रस से भरा था। रसगुल्ला में क्या बोलते हैं गुलाब जामुन, बहुत खुश था वो। तो इस प्रकार से इन सबको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया, गुलाब जामुन खिला के भक्ति का मार्ग सुख से भरा हुआ मार्ग है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, भक्त लोग का एक ही तपस्या है कि भगवान का नाम निरंतर लेते रहे, जप करना यही सबसे बड़ा तप है। तो प्रसाद खाओ, भगवान का नाम गाओ, कहते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे नामोंकारण्य वैष्णवे सर्प पुण्य पतन राजन विश्वासो न जायते। शरीर अविद्या जात जड़ेन्द्र तायिका जीव फैले विषय सागर तारमति जीवायती लोभ माया सुलमन ताके जाते कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया माए करी बार जीव जाए सौ प्रशम अन्न दिलो भाई साई अन्नमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। हाँ, सौ प्रशांत अन्न खाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रसाद खाओ और गाना गाओ है ना, खा के महाप्रसादे आनंदे पेट पर ले परमानंदे महाप्रसादे गोविंदे पेट भर ले आनंद है। ऐसा भी नहीं, महाप्रसाद खाने के बाद भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, सौ प्रसाद अन्न दिलो पाए सही अन्न पाओ राधा कृष्ण गंगाओ, इसके बाद भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी चैंटिंग डांसिंग में लगाते थे हिप्पियों को, और उसके बाद खूब प्रसाद खिलाते थे। चैंटिंग डांसिंग कृष्ण करते करते हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, रूसियों को ऋषि बना दिए, चीनियों को मुनि बना दिए, और जापानीज को जापान में लगा दे, दुखियों को सुखी बना दे। ये है विधि। तो नंद महाराज भी इसी प्रकार से ब्राह्मणों से खूब खूब अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। सटासुर का उद्धार हो गया और यहाँ पे कृष्ण का आशीर्वाद, कृष्ण बहुत खुश है कि सटासुर का वध हो गया। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने सटासुर का वध किया है, और नंद महाराज का प्यार देखो कि वो सोच नहीं समझ भी नहीं पाया कि इन्हीं ने इस संकट को तोड़ा है, और किसी को सब पता भी नहीं लगा सटासुर का उद्धार भी हो गया। और ये एक ऐसा असुर है जिसको कंस ने मामा ने नहीं भेजा था। तो इस प्रकार से सटासुर का उद्धार हुआ। कृष्ण का चिंता प्यार जो ब्रजवासियों के अंदर है उसे कल भी थोड़ा देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। यह है ब्रज, और ये ब्रज के भाव को जीवन में धारण करने के लिए जो है हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान इन सुंदर सुंदर लीलाओं से बता रहे हैं, देखिए ब्रजवासी जो है मेरे सेवाओं में कितने आनंद का अनुभव। आइए आइए आइए, आप भी आइए, कम कम ज्वाइन द पार्टी, हाँ मोर द मेरियर। भगवान चाहते हैं कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों आप दुखी हो, आओ हमारा साथी, आओ मेरे साथ, हाँ आओ आओ आओ, नाचो गाओ, भगवान का नाम लो और अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।